नमस्कार, हेडलाइन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों की। मुकेश रघुवंशी और शिव प्रकाश रघुवंशी द्वारा प्रसिद्ध भजन गायक राकेश पाठक की भजन संध्या की, जिसमें बलवंत रघुवंशी, समस्त रघुवंशी समाज, हरिप्रिय गौशाला के अध्यक्ष आशीष तिवारी, संजय मिश्रा, सौरभ सेट्टी मुख्य रूप से उपस्थित हुए। मैं बलवंत सिंह रघुवंशी, आज तिरुपति हाई राइज में जो मुकेश रघुवंशी के द्वारा एक जागरण, माता रानी के जागरण रखा है। निश्चित रूप से माता रानी के जागरण तो हमेशा होते हैं, लेकिन नवदुर्गा में जब जागरण होता है तो उसका फल चार गुना ज़्यादा मिलता है। आज तिरुपति हाइज के जो हमारे इसके आनर हैं, प्रमोटर हैं, श्री भाव सिंह राजपूत जी यहाँ विराजमान हैं, उनका आशीर्वाद भी भाई मुकेश को और पूरे कॉलोनी वासियों को मिलता रहा है। मैं आज माता रानी से प्रार्थना करता हूँ तिरुपति हाइज राइज और आगे राइज करे और आगे बढ़ती रहे। पुनः मुकेश रघुवंशी को, उसके पूरे परिवार को रघुवंशी समाज की ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। इस भजन संध्या के माध्यम से अखंड रघुवंशी समाज और हमारे मुकेश रघुवंशी जी, जिनने ये आयोजन किया है, हम सबकी प्रार्थना है माता रानी से कि आने वाले समय में किसी भी प्रकार का इस भारतवर्ष के अंदर कोरोना जैसी महामारी का कोई प्रवेश ना हो और सभी लोग स्वस्थ रहें और इसी प्रकार से पूरे भारतवर्ष में ऐसे आयोजन यथासंभव होते रहें। सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। जय माता दी, जय माता की। आज भगवती जागरण का आयोजन मुकेश रघुवंशी जी की तरफ से यहाँ किया गया है। सभी भक्तों ने बहुत आनंद यहाँ लिया है। हमारे भजन गायक पाठक जी, जो भोपाल के प्रसिद्ध भजन गायक हैं, वो यहाँ भजन प्रस्तुत कर रहे हैं। उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोताओं, सभी बंधुओं को जय माता की, जय श्री राम। मैं अंजू शर्मा, तिरुपति ML हाईराइज की रहवासी हूँ। अभी देवी जागरण हो रहा है और नवरात्रि में हमें खूब मज़ा आया और मान सिंह जी ने पूरा यहाँ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया, बहुत अच्छा लग रहा है।